हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फील्ड ऑफ अनादित्य नेवर लेके। और आज मैं हूं दशहरा कैंप में, आप देख सकते हो धूप मूर्ति कला केंद्र। और दोस्तों, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा क्योंकि वीडियो नहीं ला पा रहा था, कंटिन्यू तबियत वो खराब था। साथ में सिंधु भाई भी आया जो मैंने कैमरा पकड़ी, उनको धन्यवाद। चलते हैं, देखते हैं मूर्ति की पेंट होने स्टार्ट हुए कि नहीं, इसलिए अपन बात किए थे। चलते हैं भाई, ऐसा मत आप। और धूप मूर्ति कला केंद्र माना कैंप में हूँ, चलते हैं इस तरफ और देखते दोस्तों मूर्ति की कितना पेंट हुआ, कितना बचा। चल तो दोस्तों, अपन अंदर आ चुके हैं और यहाँ मूर्ति कलर होने स्टार्ट हो गया है। देख सकते हो आप लोग, पहला ब्लॉग देखे होगे जिसमें कलर नहीं हुआ था, अभी कलर होने स्टार्ट हो गया है। अब कलर होने के बाद दोस्तों मूर्ति अब देख सकते हो कितना सुंदर लग रही है पूरा। पहला ब्लॉग जो अभी देखोगे ट्रेडिंग डाल दूंगा मैं, ये देख सकते हो आप, पूरा कलर होने स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हो ये अपना रावण वाला जो भाई बताया था पहले पिछले ब्लॉग में, देखते हैं दोस्तों और शॉट लेते हैं। आप लोग ब्लॉग में तक बने रहो। तो दोस्तों, अपना पहला जो ग्राउंड था कलर हो चुका, अपन वहाँ शूट कर लिए हैं, फोटो वगैरह सब ले लिया, गणेश वाला शॉर्ट आउट सब ले लिया हूँ। देख सकते हो पसीना, बहुत गर्मी है दोस्तों, पसीना पूरा हालत ख़राब हो गया। और जो अपन मूर्ति अपन पहले देखे थे पहले ब्लॉग में, जो पेंट नहीं हुआ था पूरा मूर्ति पेंट हो चुका है। और जो पहला ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दूँगा, हमारे चुन्नू भाई पीछे उस तरफ खड़े हुए हैं। अब चलते हैं वाले ग्राउंड पर और देखेंगे कि उधर कितना काम हुआ। मैं तो बस चलते हैं और ब्लॉग में बने रहो। तो दोस्तों, अपन अभी बाहर आ गए हैं, अब पहला गोडाउन अपना कंप्लीट हो चुका है, सब ग्राउंड पे जा रहे हैं। सिंधु भाई कुछ बोलना चाहोगे, बोलते हैं ब्लॉग में आ रहे हो आप? अरे हाँ, बहुत गर्मी है, बोलने चाह रहा हूँ। गर्मी है और सब बढ़िया भाई? सब बढ़िया। चुन्नू भाई आज हमारे साथ में है तो हमारा कैमरा पकड़ू है, तो भाई को धन्यवाद दिल से। कैसे भाई? अभी चलते हैं अपन, जस्ट दूसरा ग्राउंड है, यहाँ वाइट पुट्टी हो चुका है। चलते हैं, दिव्य यही काम कर रहे हैं अंदर में, चलते हैं और उनसे बात करेंगे थोड़ा कि और कितना काम बचा हुआ है। तो चलते हैं अंदर। ये अपने दोस्तों दूसरा ग्राउंड जो कि यहाँ वाइट पुट्टी बस हुआ है अभी, और भाई लोग सब काम कर रहे हैं। और हमारे दिव्य जिनके हाथ में कला है, छुप रहे हैं, शकल छुपा रहे हैं अपना भी, हमारे भाई। भाई कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, वो नहीं, पहले बताओ ना, पहले दिव्य बताओ, सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया। क्या हाल चाल? अभी तो बहुत कष्ट है। कष्ट है? फिर आपका नाम बता दो पहले। मेरा नाम दीपक। दीपक, और कितना बचा भैया काम? अभी कब तक कंप्लीट हो जाएगा? वही, जब तक नहीं जाएगा तब तक कंप्लीट नहीं होगा। कब तक कंप्लीट नहीं होगा? दीपक भी आप जो पहले ब्लॉग में हमारे आए थे। और यहाँ दूसरे गोडाउन में दोस्तों पुट्टी हुआ है अभी, कलर ना बचा हुआ है, तो शॉर्ट लेते हैं फिर दीप भैया थोड़ा बात करेंगे। आप तो ब्लॉग में बने रहो। तो अपन पहला ग्राउंड जब वहाँ का शूट कर लिया अपन, और अभी दूसरा में आए तो अभी यहाँ पेंट होना बचा हुआ, व्हाइट फुट के ऊपर हो चुका है। हमारे सबसे पहले दीप भैया, यह पहले थोड़ा नमस्ते, तो कैमरे पे नमस्ते बोल। नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया। तो बताओ फिर कैसा है माहौल, क्या है माहौल? ठीक है, अभी कलर अगर स्टार्ट हो गया अभी इधर, अब ये घर में भी हो जाएगा दो तीन दिन, सिंगार का काम चल रहा है। अच्छा, और ये मूर्ति आप जो काम कर रहे हो पैटर्न बताओगे कि सरप्राइज है? ये सरप्राइज नहीं, कस्टमर का चॉइस है। अच्छा, इसी कारण मैं ज़्यादा अपने से हिस्सा नहीं बनाया,
कस्टमर फोटो लेके आए हैं उस हिसाब से काम चल रहा है। पर ये मूर्ति देखो ना कि बाहर का ये गुड़ियारी का है। गुड़ियारी का मूर्ति दोस्तों, अपने गुड़ियारी का मूर्ति है ये, आप लोगों को नहीं पता। और जैसे कि देखोगे तो लगभग मूर्ति बुक हो चुकी है। या कुछ मूर्ति मूर्ति खाली है तो बता दो। एक मूर्ति तो खाली ही बोल रहे हैं। बड़ा मूर्ति है। अच्छा, किसी को लेना है तो आ जाए बोल रहे हैं। और यहाँ का कलर कब तक चालू हो जाएगा? मंडे से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ का कलर। तो और कुछ बताओ फिर, इसमें नया क्या है? नया वही तो है ना भैया, क्या है, सब फोटो में सब फोटो लेके आ रहे हैं। अच्छा, दिक्कत क्या? ठीक ही है, फोटो से काम करना सही है, रेडीमेड बना के रखो वो अलग है। ठीक हाँ, जैसे कि पिछले बार बिलासपुर वाले में वो दिवाली वाला मूर्ति था, इस साल भी है। जब आप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक बार तब आप देख पाओगे। अभी क्या है आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बोलूँगा जो आपको समझ में। ठीक बोल रहे हो दोस्तों, जैसे कि अपन भाई बोल रहे कि और बीच में आना बोल रहे हैं कंप्लीट होने के बाद, तो अपन एक और लोग लेकर आ जाएंगे। दरअसल अभी मैं आया था कलर होने के लिए, तो अपन चलते हैं। बिल्कुल यह कलर वाला गोडाउन यहाँ का भी अपन शॉट ले लिया है। मनदीप भैया इन्हीं के हाथ में कला है, जैसे कि आप लोग मूर्ति के साथ बना रहे हैं, तो ये पूरा मूर्ति जगन्नाथ की थीम में मूर्ति बन रहा है। तो भैया धन्यवाद समय देने के लिए दोस्तों। चलते हैं और शॉट लेते हैं, फिर अपन ब्लॉग को एंड करेंगे। चलो तो दोस्तों, ये वाला मूर्ति खाली है वो नदीप भैया, जिनको अगर ऑर्डर देना हो लेना हो तो मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे बात कर लेना प्राइस वगैरह जो भी है। ये अपना मूर्ति खाली है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये भी लगभग बुक हो जाएगा, जल्दी आके बुक करा लो आप लोग। और नंबर भैया दे दूंगा मैं, तो काफ़ी मूर्ति अच्छी लग रही है, पेंट होने के बाद और अच्छी दिखेगी, आप लोग आके देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों अपन यहाँ का ब्लॉग शूट कर लिए, बहुत ज़्यादा मेरे चैनल में देखने मिल जाएगा आप लोग को। कलर भी हो चुका है, बिना कलर वाला भी शूट कर लिया मैं, इधर कुश्ती हो चुका है वहाँ कलर हो चुका है। और दीप भैया से पर बात कर लिए, बोल रहे हैं कि दोस्तों एक मूर्ति खाली है, आप लोग आके देख सकते हो, नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मैं चुनने को भी धन्यवाद दिल से। और दोस्तों यहीं पर ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और मिलेंगे मुझे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक का बाय बाय, नमस्ते।